चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्लास 10th का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये वृत्त बनाया है मैंने, उसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या मान ली मैंने, 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ये वो है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ये एक चाप बना लेते हैं अपन, इतना इतना चाप हो गया है। कितना? 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है ये, इतना चाप। ये 60 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए कोण का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना ज्ञात करना है। और यहां पर ये एक जीवा डाल दी मैंने। अब देखिए यहां पर आप समझने लायक बात ये है, ये 21 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। तो यहां पर क्वेश्चन 3 है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं 3 हिस्से में करा देता हूं इसको। यहां पर देखिए सबसे जो पहला पहला क्वेश्चन है उसका हल फर्स्ट का। तो यहां पर त्रिज्यखंड चाप की लंबाई का जो सूत्र है, जो लंबाई का जो सूत्र बनता है, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो थीटा अपन 360 डिग्री × 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब यहां पर रख देते हैं अपन थीटा। थीटा का मान कितना दिया है अपने को? 60 डिग्री दिया है। ये देख सकते हो आप क्वेश्चन में दिया है, आपको लिखना भी पड़ेगा। गिवन दे या दिया है, क्या क्या दिया है? त्रिज्या दिए 21 सेंटीमीटर, कोण दिया है 60 डिग्री का, कोण दिया है थीटा। तो ये आपको दिया है, मैं लिखना है। अब हल चालू करते हैं अपन। यहां से थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360 है, इनटू में क्या है 2 2, यहां से फॉर्मूले से आया है 2 पाया। ये आप याद रखने का तरीका सीखिए इस सूत्र को। चाप की लंबाई, तो अपने वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है पहले से, ये 2 पाई आर। और जो ये वृत्त होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो ऊपर थीटा कर देंगे अपन, थीटा अपन 360 डिग्री × 2 पाई आर। अब यहां पर देखिए 2 यहाँ का, यहाँ पाई का मान 22/7 होता है, आपको पता है पाई का मान 22/7, तो 22/7। आर का मान कितना दिया है? 21, तो 21 रख दिया मैंने। 7 या 21 हो गया यहाँ पर, ये कटेगा 6 6 36, 6 बार कट गया। यहां से 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 6, और ये 3 से 3 कट गया। अब यहां पर बचा कितना है? 22। तो चाप की लंबाई कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। यही आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। चाप की लंबाई देखें यहां पर आप निकल चुकी है कितनी? 22 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया है। सेकंड देखिए, सेकंड सेकंड का सॉल्यूशन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर एरिया निकालना है अपने को त्रिज्यखंड का। तो इसका सूत्र क्या होता है? थीटा अपन 360 डिग्री × π r² तो r का वर्ग है यहाँ पर, बस इतना सा है। और तो ऐसा का ऐसा ही रखना पड़ेगा अपने को। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और ये याद रख लीजिए, थीटा अपन 360 डिग्री, थीटा होता है और ये वृत्त 360 डिग्री का होता है। अब थीटा क्या है यहाँ पर? 60 डिग्री अपन में 360, और इंटू में पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का वर्ग मतलब 21 × 21, 7 या 21 काट दिया इसको मैंने। अब यहां पर ये 6 बार कटा, अभी काटा था मैंने। अब इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 3 6, ये 3 से 3 कट गया यहां पर। तो क्या 11 × 21 बचा है? 11 × 21। अब इसका जो गुणा करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये जो 1 है ये ऐसा ही रख दीजिए, 2 में 1 जोड़ दीजिए, जो आगे का है अंक उसमें पीछे का जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 2 ऐसा का ऐसा रख दीजिए ये आगे का अंक। तो ये इसका आंसर आ गया, 2 हो गया। ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो गया है। किसका एरिया निकल के आया अपना? त्रिज्यखंड का एरिया क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्र पूछा है, तो अपने को तीसरा क्वेश्चन करेंगे अपन। तीसरा का हल देखिए यहां पर
जो एरिया निकलेगा वो किस किस का निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, त्रिज्यखंड का जो एरिया था माइनस करना पड़ेगा वो त्रिभुज के एरिया से। अब यहां पर जो त्रिभुज का एरिया कितना होगा, समबाहु त्रिभुज बन रहा है यहां पर, 7-7 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर सूत्र क्या रहेगा अपना, ये तो निकाल लिया अपन ने, निकाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आया, तो 231 रख देते हैं ऐसा का ऐसा, माइनस जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहां पर वो कितना होगा, √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर इसको हल करने पर आएगा अपना 231 माइनस √3/4, 21 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन यहां पर, अब आंसर आ चुका है 231 माइनस ये अपना हो जाएगा 441 होता है 21 का वर्ग, √3/4, ये पूरा आ गया अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है, चाप की लंबाई आ चुकी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन चैनल पर है, जाकर देख सकते हो आप।